आइसक्रीम की। कर लो दोस्तों, ये अमेजन पे वेल्डिंग मशीन मंगाई है, सिंगल फेस एंड टू फेस। इसको देखते हैं, फुल की इसमें कैसी मशीन आई है। ये ऊपर इसमें एड्रेस पर्ची लगी हुई है। पैकिंग इसकी बढ़िया दे रखी है। इसमें अंदर एक और पैकिंग है जिसमें डबल पैकिंग में ये दी है मशीन। ये इसमें मशीन है, ये इसमें अर्थिंग का चिमटा है, इसके साथ में आया ये। और एक ये होल्डर है जो रॉड को, वेल्डिंग रॉड को पकड़ने के लिए। ये ज़्यादा है भी नहीं है, ये हल्का ही है। इसमें नीचे की तो कॉपर की पत्ती दी हुई है और ऊपर का ये प्लास्टिक का है, ये हल्का ही है इसमें। और ये इस पर कुछ सेट्स लगे हुए है। और ये वेल्डिंग मशीन है, और ये इसका एक साथ में इसका कार्ड है। इसमें देखते हैं क्या है। कभी इसमें वन फेस टू फेस इनपुट लिखा हुआ है। ये वन फेस टू फेस किसकी सारी डिटेल दी हुई है इसमें। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है वन फेस टू फेस। ये मशीन है, छोटी साइज में मशीन है ये। और ये इसकी लीड है इनपुट की एसी की। और पीछे इसमें ऑन ऑफ का स्विच है, एक ये ऑन ऑफ का इधर स्विच है। ये एसी 120 वोल्ट से 560 वोल्ट तक इसमें इनपुट दे सकती है, टू फेस सिंगल फेस। ये ऑटोमेटिक सिंगल फेस टू फेस में है। ये यहाँ तो टेम्परेचर की दिखाई हुई है, 230 वोल्ट की है ये। दो सौ तीस से 415 वोल्ट। और ये इसके कंबती वोल्टेज करने के लिए जो अपने रॉड यूज करते हैं वेल्डिंग करते हैं तब। और 230 एम्पियर की ये मशीन है। और इसको चला के आपको दिखाएंगे कैसा काम करती है ये, इससे वेल्डिंग करके देखेंगे भाई कैसा काम करती है मशीन। ये पहली बार हमने ये मशीन यूज करेंगे। पीछे ये पंखा है इसमें, इसको ठंडा करने के लिए। ये ऑन कर दिए भाई, दो सौ 29 तक चला है ये। अब टू फेस में है, चश्मा
बटन क्या देख ली बिड़ा बना रखा चेता भी स्वाद नहीं पा रहे हैं ले फ्री देखा एक बार बोले तो हम दिखा जिसमें मशीन का लगा अर्थ लगा अर्थ लागे छोड़ा ये अमेजन से अभी वेल्डिंग मशीन मंगाई थी जो 230 एम्पियर की है। ये टू फेस में अब फिलहाल चल रही है 150 एम्पियर पे ये सेट कर रखी है और अभी मैं ऊपर और बढ़ा रहे हैं इसको। इससे अब मैं टू फेस से वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। इसमें ये पावर प्रेस मशीन है, इसमें नई डाई तैयार करवाई है। इसके जो ऊपर के गुटके हैं ये गुटके ये इसमें सीधे लेवल में सेट करके ना, और अभी मैं इस पे ये सीधे सेट करके एकदम और इस पे अभी वेल्डिंग करेंगे। ये एकदम इस जरिए के अंदर लाइन में चलेगी ये छुरी, इसलिए पहले इसमें सेट करके तभी इसमें वेल्डिंग करते हैं कि ये यहीं सेट हो जाएगी। ये सीधी चलेगी डाई इसमें, तो अभी इसको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब इसको पक्की वेल्डिंग नीचे करेंगे। ये मशीन से अभी निकाल लेते हैं इस डाई को। ये गुट का अब सीधा वेल्ड हो गया इसमें। इसमें थोड़ा कच्चा बेल्ट कर दिया है, ये सीधा बेल्ट हो गया इसमें। अब इसकी पक्की वेल्डिंग करेंगे इधर से और इधर से।
वोल्टेज और बड़ा 200 किलो 220 कर और 20 मैं छोड़ दूं 30 तो ही कर पूरा देखो ये अब सिंगल फेस में इन्वर्टर में चल रही है, जो डबल बैटरी का इन्वर्टर है, ये टू फेस की केबल हटा दी है हमने और अब देखते हैं कैसे ये वेल्डिंग करती है। 300 एम्पियर पूरे पे कर रखी है, 230 एम्पियर पे और अभी देखते हैं ये कैसे काम करती है। ये सिंगल बैटरी के इन्वर्टर, डबल बैटरी के इन्वर्टर पे बहुत धीरे काम कर रही है वेल्डिंग और वेल्डिंग बहुत नॉर्मल लग रही है। इन्वर्टर बैठता है इसमें, डबल बैटरी में वैसे सही चल रही है। कम एम्पियर पे करके इस पे कम कर दे 120 के लगभग, या अभी 120 पे करवा दी है। बस अब देखते हैं कैसा काम करती है। बैठती है अभी, दबती है लाइट। ये डबल बैटरी के इन्वर्टर में काम नहीं देगी ये मशीन, ये चार बैटरी पे इन्वर्टर के काम दे सकती है और सिंगल फेस में वोल्टेज में बढ़िया काम करेगी। टू फेस में ये बढ़िया काम कर रही है मशीन।